हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ग्रुप कैप्टन अशोक कुमार है और साइबर सिक्योरिटी के इस मॉड्यूल में मैं आपसे जुड़ा हूं। आज हम ऑथेंटिकेशन और पासवर्ड सिक्योरिटी के बारे में आपसे बात करेंगे। इस मॉड्यूल के अंत में हम ये देखेंगे कि हमने आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बारे में सीखा। ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स के कितने प्रकार हैं वो हम देखेंगे और कौन सी प्रोटोकॉल्स हम ऑथेंटिकेशन में यूज़ करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि पासवर्ड की क्या इम्पोर्टेंस है और पासवर्ड को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि बैड पासवर्ड के कॉम्बिनेशंस कैसे अवॉइड किए जा सकते हैं। तो हम सब ने देखा होगा कि जब भी हम अपने ईमेल अकाउंट में या किसी दूसरे लैन को जब एक्सेस करते हुए हम सबसे पहले हमारे पास जो डैशबोर्ड आता है वो आता है एंटर योर यूज़र नेम एंड योर पासवर्ड। तो इसके मायने क्या हैं? जब हम अपना यूज़र नेम डालते हैं तो क्या होता है बैकएंड में, और जब हम पासवर्ड डालते हैं तो उसके मायने क्या हैं? जब भी हम सिस्टम में अपना यूज़र नेम डालते हैं तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आप इसको ऐसे समझें कि आप किसी सिक्योर्ड एरिया में जा रहे हैं और वहाँ खड़ा गार्ड आपसे आपके क्रेडेंशियल्स के बारे में पूछता है कि साहब आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, आपका क्या नंबर है, फ़ोन नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए और कोई आइडेंटिफिकेशन आपसे मांगता है। ये फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में हो गया, पर इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में हमारी जो आइडेंटिटी है वो हमारा यूज़र नेम या कोई और दूसरी चीज़ हो सकती है। तो जैसे उदाहरण के तौर पे लें, हमने अपना ईमेल पेज खोला लॉगिन के लिए तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमसे पूछी जाएगी वो है हमारा यूज़र नेम। यूज़र नेम हमने दे दिया तो वो हमारी आइडेंटिटी है। अब इस आइडेंटिटी को इंश्योर करने के लिए सिस्टम हमसे क्या पूछता है, वो है चीज़ पासवर्ड। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन जब सिस्टम वेरीफाई कर लेता है तो इसको प्रोसेस को बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, के नाउ वी हैव बीन ऑथेंटिकेटेड बेस्ड ऑन दिस यूजर नेम एंड पासवर्ड। जैसे ही हम ऑथेंटिकेट हो जाते हैं उसके बाद हमारे राइट्स क्या हैं, सिस्टम एक्सेस राइट्स, मे बी या तो हम स्टैंडर्ड यूज़र रहेंगे या प्रिविलेज यूज़र रहेंगे और या सुपर यूज़र रहेंगे, तो उस हिसाब से हमारे हमको राइट्स दे दिए जाते हैं। इस प्रोसेस को तीसरी कड़ी को बोलते हैं हम आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। जब हम ऑथराइज हो जाते हैं तो उसके हिसाब से हमको हमारे राइट्स मिल जाते हैं। तो ये तीन बेसिक चीज़ें जो हैं इसमें वो हैं आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेट करने के लिए नॉर्मली हम देखते हैं कि आप क्या जानते हैं, आपको क्या याद है, जैसे कि पासवर्ड, और किसी किसी सिस्टम में आपसे पिन मांगा जा सकता है। कई बार हम लोगों से पासवर्ड जैसे भूल गए तो हमसे रीसेट करने के लिए कुछ सवाल जवाब किए जाएंगे, सिक्योरिटी क्वेश्चंस होंगे, तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो इसमें ऑथेंटिकेशन फैक्टर में एक चीज़ है सबसे पहली, व्हाट वी नो। दूसरी चीज़ ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स में आती है व्हाट वी हैव। इसमें जैसे बैंक में जाएंगे एटीएम में तो हम अपना कार्ड देते हैं, दैट कार्ड इज आवर आइडेंटिटी, और उसके बाद जो हम पिन डालते हैं वो फिर हमारा पासवर्ड का काम करता है। सेम चीज़ किसी सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में हमको स्मार्ट कार्ड इशू हो जाते हैं, दैट स्मार्ट कार्ड इज आवर आइडेंटिटी। और आपने जैसे कभी नेट बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स किए हों तो एक चीज़ और उसमें आ जाती है, वो है वन टाइम पासवर्ड, जिसको ओटीपी भी बोलते हैं,
और आप कभी जैसे आज की तारीख में जो भी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है जेम पर या DGSND पर, तो उसके लिए आपको एक डोंगल इशू होता है मेड बाय ए सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, इसको हम बोलते हैं टोकन्स। तो सेकंड स्टेप और थिंग इन ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स इज व्हाट वी हैव। तीसरी चीज आती है इसमें व्हाट यू आर। आधार हम सब लोगों ने आजकल यूज करना शुरू कर दिया है, उसमें हमारे बायोमेट्रिक्स इस्तेमाल होते हैं, मे बी फिंगरप्रिंट्स और आयरिस स्कैन, तो ये चीज़ें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता है और उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक्चुअल यूज़र जो कि उस सर्विस को यूज़ करना चाहता है वो ही करे। और कहीं कहीं हम इसका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लेते हैं कि भाई मान लिया ठीक है आपने पासवर्ड आपने दे दिया, यूज़र नेम दे दिया, पर आप इस मशीन से लॉगिन नहीं करते हो। आप अगर जीमेल यूज़ करेंगे और आपने अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो आपको नई डिवाइस पे लॉगिन करने से पहले आपसे वेरीफाई करेगा इन द फॉर्म ऑफ ए OTP ऑन योर मोबाइल कि आप वो सही यूज़र हैं या फिर आपका यूज़र नेम पासवर्ड कंप्रोमाइज हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा ऑथेंटिकेशन मेथड्स और प्रोटोकॉल्स को टच करेंगे। इनको इस मॉड्यूल में खाली हम इनके बारे में जानेंगे कि ये हैं क्या क्या, इनकी डिटेल जानकारी हमको दूसरे क्रिप्टोग्राफी वाले कोर्स में बहुत डिटेल में हम इनकी पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है कर्बरोस। कर्बरोस जो है एक ऑथेंटिकेशन मेथड है जिसमें जिसको कि हम क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में यूज़ करते हैं और इनसिक्योर नेटवर्क पर भी हम सिक्योर ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। दूसरा है सिक्योर सॉकेट लेयर SSL जिसको बोलते थे, इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज TLS। दिस प्रोटोकॉल वॉज ओरिजिनली इन्वेंटेड बाई नेटस्केप कॉरपोरेशन एज अ वे ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योर ब्राउजिंग इन द वेब ब्राउजर। आज भी हम इसको यूज करते हैं। तीसरी प्रोटोकॉल है NTLAN मैनेजर NTLM, इट इज प्रोप्राइटरी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टोरिंग पासवर्ड्स। पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, इट्स ऑल्सो नोन एज PAP। इट इज एन ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल दैट यूजेस अ पासवर्ड फॉर एक्सचेंजिंग द पासवर्ड्स। अदर प्रोटोकॉल्स आर चैलेंज हैंडशेक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, माइक्रोसॉफ्ट चैलेंज हैंड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल एंड रेडियस रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस। इसके अलावा हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स यूज करते हैं और सिक्योरिटी टोकन्स यूज करते हैं विच आर फिजिकल डोंगल्स। अब हम बात करेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसे यूज किया जाए। तो सबसे पहली चीज जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में है वो है लेंथ। आप अगर गूगल सर्च करेंगे और या किसी भी नए सिस्टम में आप अपना यूजर नेम पासवर्ड बनाएंगे तो वो आपको गाइड करता है कि लेंथ इज नॉट सफिशिएंट। वो लेंथ वो क्या है, और अपनी कुछ पासवर्ड पॉलिसीज बना के रखते हैं कि इसमें एक लेंथ इतने कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और इसमें न्यूमेरिक होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है लेंथ। आज की तारीख में जो हमारे पास कंप्यूट पावर अवेलेबल है उससे मतलब 7 to 8 कैरेक्टर पासवर्ड कैन बी ब्रोकन विद इन नो टाइम। तो इसलिए आज की तारीख में जो भी पासवर्ड प्रॉम्प्ट होता है हमको, दैट इज 8+ कैरेक्टर्स होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ अ डिक्शनरी वर्ड वी शुड हैव अ पासवर्ड इन द फॉर्म ऑफ पास फ्रेज, रादर देन पास वर्ड वी शुड हैव पास फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल आई कैन ऑलवेज से इंस्टेड ऑफ
remembering ABC123, I can always say I reside in a place called dash dash dash, right? Passphrase bhi kaise banana hai, wo hum aage dekhenge. Randomization of capital words is very very tricky in this case of strong passwords. कि कैपिटल वर्ड हम शुरू में लगाएं, बीच में लगाएं, आखिर में लगाएं, दैट कैन चेंज द क्रैक रेजिस्टिविटी ऑफ अ पर्टिकुलर पासवर्ड. जो भी हम पास फ्रेज यूज करते हैं उसको हम स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स में बदल सकते हैं. जैसे जहां हमको स्मॉल ए यूज करना है वहां पे हम एट द रेट कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, और जहां स्मॉल एस है वहां पर हम डॉलर यूज कर सकते हैं, और इस तरह के काफी हम इनोवेशन अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं. दिस विल ओनली एड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ आवर पासवर्ड. अगली चीज जो हमें बहुत ध्यान रखने की है जब भी हम पासवर्ड बनाते हैं कि कोई भी डिक्शनरी वर्ड ना रखा जाए, क्योंकि डिक्शनरी वर्ड को अगर आप कोई टूल चला करके आप चेक करते हैं तो वो बहुत ही कम समय में डिक्शनरी वर्ड को क्रैक कर लेता है, क्योंकि सबसे पहली जो एल्गोरिथम चलती है किसी भी पासवर्ड डिक्रिप्शन मॉड्यूल में वो है गेस द डिक्शनरी पासवर्ड. सबसे पहली हमारी कोशिश जब भी हम पासवर्ड बनाते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कि इसको हम याद कर लें और इसको कोशिश करें कि कहीं लिखा ना जाए. इन केस हमें महसूस होता है कि हम इतने सारे पासवर्ड नहीं याद रख पाएंगे तो टूल्स आते हैं. की पास फॉर विंडोज एक टूल है, और आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए टूल्स मिल जाएंगे जिसमें कि आप हम ये पासवर्ड स्टोर कर सकते हैं. एक बहुत याद रखने वाली बात और भी है यहाँ कि एक ही पासवर्ड को बार बार इस्तेमाल ना किया जाए. और मान लिया आप पासवर्ड चेंज कर भी रहे हैं तो उस पासवर्ड में एंड में जाकर के एक कैरेक्टर चेंज कर दिया, उसका भी कोई यूज नहीं है, वो भी एक वीक पासवर्ड ही माना जाएगा. साथ ही साथ हम ये भी देखें कि जो भी हमारे ईमेल के पासवर्ड हैं वो भी स्ट्रांग रहे. जो भी पासवर्ड हमारे हैं हम उसको किसी से शेयर ना करें, और मेल पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड किसी को ना भेजा जाए. खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी हम किसी साइबर कैफे में या किसी पब्लिक कंप्यूटर में या किसी अननोन कंप्यूटर में हम अपना मेल या अकाउंट एक्सेस करते हैं तो वहां पे बाय डिफॉल्ट ब्राउजर आपको प्रॉम्प्ट करता है कि आप इस कंप्यूटर पर पासवर्ड स्टोर करना चाहेंगे, तो वो ऑप्शन आपको इंश्योर करना है कि आप उसमें अनचेक कर दें और पासवर्ड स्टोर ना करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है आपके यूजर नेम और मेल के कंप्रोमाइज होने का. जो चीज़ हमको अवॉइड करनी है जब भी हम पासवर्ड बनाएंगे वो हमको ध्यान रखना है कि प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स ऑफ वर्ड्स ना हों. जैसे कि माय नेम इज अशोक कुमार, ये हम अपनी तरफ से सोच लेंगे कि बड़ा एक हमने पास फ्रेज बनाया है, बट इट इज प्रिडिक्टेबल, राइट? आप गानों के लिरिक्स और जो वेल नोन कोट्स हैं जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट इज ए वेल नोन कोट, और एनीथिंग विच कैन बी प्रिडिक्टेड फॉर दैट मैटर शुड नॉट बी यूज्ड एज अ पास फ्रेज. साथ ही साथ हमें देखना है कि कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे पास फ्रेज में इस्तेमाल ना हो. फॉर एग्जांपल हमारे डेट ऑफ बर्थ, हमारे मैरिज एनिवर्सरी डेट, वाइफ्स नेम और पेट्स नेम और डॉटर्स नेम, इट शुड नॉट बी यूज्ड. तो इस मॉड्यूल के अंत में हम रिवाइज करेंगे हमने आज क्या क्या टच किया. आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, वंस वी give our identification to electronic system, how we get authenticated, और authentication के बाद हमको क्या क्या उस system पे काम करने की authority मिलती है. हमने
बहुत सारे ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स के बारे में जाना कि व्हाट वी हैव, व्हाट वी नो एंड व्हाट वी आर, ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी होती हैं, कर्बरोस, टीएलएस, चैप, पैप, माइक्रोसॉफ्ट चैप, माइक्रोसॉफ्ट एनटीएलएम, रेडियस, सर्टिफिकेट्स एंड सिक्योरिटी टोकन्स। पासवर्ड को कैसे हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो आज की तारीख में कंप्यूटर पावर अवेलेबल है, इवन एट द डेस्कटॉप, इट कैन अटेम्प्ट 350 बिलियन गैसेस पर सेकेंड। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए हम जब भी हम अपना पासवर्ड बनाएंगे, हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सिक्योर रहें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट मॉड्यूल।